आपके साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। एक एक्सपोर्ट के गोदाम में लगी भयंकर आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। जी हां, बता दें थाना दक्षिण क्षेत्र नगला भाऊ स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की बताई गई घटना। एसडीएम सदर संघ, एसपीसीटी मुकेश चंद्र मिश्रा, थाना पुलिस संघ पहुंचे मौके पर। 2 से 3 जेसीबी लगी फैक्ट्री दीवार को गिराने में ताकि जल्दी पाया जा सके आग पर काबू। जी हां, बताते चलें फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र नगला भाऊ स्थित इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक एक्सपोर्ट के गोदाम में अचानक से भयंकर आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई और इस दौरान एसडीएम सदर के साथ एसपीसीटी भी मौके पर पहुंच गए। बता दें थाना दक्षिण क्षेत्र नगला भाऊ स्थित इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक्सपोर्ट का एनएम ग्लास के नाम से एक गोदाम है जो कि दिलीप कुमार और उनके भाई का बताया गया। उसमें अचानक भयंकर आग लग गई। मौके पर तत्काल दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई। वहीं साथ ही एसडीएम सदर संघ, एसपीसीटी मुकेश चंद्र मिश्रा भी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए और आग बुझाने का क्रम निरंतर जारी था। इसके अलावा 2 से 3 जेसीबी फैक्ट्री की दीवार गिराने में लगी थी ताकि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके। अरे एक ही पाइप है। आप आ जा बाहर 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 आप बाहर पहुंचा। एक जनों और अंदर आ जाओ, कोई एक जनों कोई अंदर आ जाओ। दिलीप जी, आप कैसे लगी है, क्या हुआ है, कहाँ पर आग लगी है? गोदाम में लगी हुई है। कहाँ पर, किस जगह है ये गोदाम आपका? ये नगला भाऊ का इंडस्ट्रियल एरिया में। कैसे आग लगी है, कुछ पता है क्या? कैसे पता चला कि आग लगी हुई है? भाई साहब थे अंदर ऑफिस में, गार्ड ने बताया था। अच्छा, किसका काम होता है यहाँ पे? एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का, हाँ जी, ग्लास एक्सपोर्ट। दमकल की गाड़ियाँ आई है क्या? कितना समय हो गया लगे हुए? लगे हुए कितना समय हो गया? हो गया एक घंटे से, 2 घंटे 1.5 घंटा हो गया। आपके यहाँ आग बुझाने की कोई साधन नहीं है क्या? सब है, उधर है, चल रही है, आगे से चल रही है, सारी टैंक भी है और जो सब है, पाइप वगैरह सब है, पाइपलाइन भी हुई है। क्या नाम है आपका? थाना दक्षिण क्षेत्र में एनएम ग्लास एक्सपोर्ट फैक्ट्री है। इसमें